हेलो स्टूडेंट्स, आप क्लास ट्वेल्थ. टुडे इन माय वीडियो लेक्चर टुडे वी डिस्क्राइब द नेक्स्ट टॉपिक्स प्रिपरेशन ऑफ फिनाल्स. तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम फिनाल के प्रिपरेशंस को एक्सप्लेन करेंगे कि फिनाल का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है. हाउ विल प्रिपेयर फिनाल्स. फिनाल्स एज फिनाल्स आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड. फिनाल को कार्बोलिक एसिड के नाम जाना जाता है. वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन द अर्ली 19th century फ्रॉम कोलतार. और जिसको सबसे पहले जब आइसोलेट किया गया इन द अर्ली सबसे पहले 19th century में फ्रॉम कोलतार से. नाउ डेज आज के दिन फिनाल इज कॉमर्शियली प्रोड्यूस सिंथेटिकली इन द लेबोरेटरी. फिनाल आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन डेरोटी. फिनाल को जो है बेंजीन के डेरोटी से ऑब्टेन करते हैं बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स. और फॉलोइंग मेथड इसमें कुछ मेथड्स आपको दिया जा रहा है, जिसमें अभी आपने देखा कि यह एक बेंजीन स्ट्रक्चर है. बेंजीन के डेरिवेटिव से फिनाल्स, यह फिनाल का स्ट्रक्चर है. तो बेंजीन के डेरिवेटिव से फिनाल को ऑब्टेन करते हैं इस डिफरेंट मेथड से. तो इसमें मेथड्स पॉइंट फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट मेथड फ्रॉम हेलो एरिंग्स. पॉइंट फर्स्ट फ्रॉम हेलो एरिंग्स. क्लोरोबेंजीन इज फ्यूज्ड बी सोडियम हाइड्रोक्साइड. क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड से पहले रिएक्शन कराते हैं एट 623 केल्विन एंड 223 एटमॉस्फेयर प्रेशर. फिनाल इज ऑब्टेन बाय एडिफिकेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड. पहले सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा और सोडियम फिनॉक्साइड से फिनाल ऑब्टेन करते हैं. जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड फर्स्टली फॉर सोडियम फिनॉक्साइड इंटरमीडिएट कंपाउंड्स एंड आफ्टर इट ऑन एडिफिकेशन विथ HCl प्रोड्यूस फिनाल्स. नेक्स्ट फ्रॉम बेंजीन एसिड बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनाल को ऑब्टेन करना. बेंजीन इज सल्फोनेटेड विथ ओलियम. बेंजीन को ओलियम से सल्फोनेटेड करते हैं एंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड ऑब्टेन करते हैं. और बेंजीन सल्फोनिक एसिड को सोडियम फिनॉक्साइड बनाते हैं एंड रिएक्टिंग विथ मोल्टेन सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम फिनॉक्साइड बनाते हैं, जैसे अभी आपने यहाँ रिएक्शन देखा. ओके, और फिर उसका एडिफिकेशन करते हैं. और सोडियम फिनॉक्साइड का एडिफिकेशन करने पर सोडियम साल्ट जो है फिनाल को प्रोड्यूस करता है. तो यहाँ आप देख रहे हैं फर्स्टली बेंजीन रिएक्ट विथ ओलियम जिसे हम लोग फार्मूला दिखाते हैं H2O7 दैट इज ओलियम. ओलियम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड्स को नेम देते हैं ओलियम को. तो ओलियम रिएक्ट विथ बेंजीन फॉर्म बेंजीन सल्फोनिक एसिड. बेंजीन सल्फोनिक एसिड को पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे, जिसमें जो है आपका फिनॉक्साइड आयन बनेगा एंड आफ्टर एडिफिकेशन ये फॉर्म करेगा फिनाल्स. नेक्स्ट पॉइंट फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साल्ट. ए डाइजोनियम साल्ट इज फॉर्म्ड बाय ट्रीटिंग एन एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स. डाइजोनियम साल्ट को एरोमेटिक प्राइमरी एमीन से जो है ऑब्टेन करते हैं विद नाइट्रस एसिड्स. डाइजोनियम साल्ट आर हाइड्रोलाइज्ड विद टू फिनाल वार्मिंग विथ वाटर बाय ट्रीटिंग विथ डाइल्यूट एसिड्स.
स्टूडेंट्स, यहाँ आप जो देख रहे हैं रिएक्शंस कि जो एनलिन्स हैं, अगर एनलिन को सबसे पहले NaNO2 प्लस एसिड रिएक्शन कराते हैं कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड साल्ट बनाता है। ओके, अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड साल्ट है, इसको वाटर के साथ जब वार्म करते हैं तो फिनाल प्रोड्यूस करता है और नाइट्रोजन गैस है जो बाई प्रोडक्ट फार्म होगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपने देखा कि एनलिन एंड डाइजोनियम साल्ट, ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, ये अभी आप लोग जो है आमी चैप्टर में पढ़ेंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम कहते हैं डाई एजोटिजेशन, डाई एजोटिजेशन रिएक्शन। डाई एजोटिजेशन रिएक्शन में यह जो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का भी फॉर्मेशन करते हैं, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम एरोमेटिक के मैक्सिमम कंपाउंड ऑब्टेन कर सकते हैं। और बेंजीन डाइजोनियम जो क्लोराइड साल्ट है, इसका यूजेज हम लोग जो है वेरियस टाइप के डाई बनाने में, और कलर को जो है परमानेंट कलर को स्टेबल कलर बनाने में इसको कंपाउंड का यूज करते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्राम क्यूमिन, फिनाल के प्रिपरेशन का नेक्स्ट मेथड फ्राम क्यूमिन। फिनाल इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन्स क्यूमिन्स। फिनाल को हाइड्रोकार्बन क्यूमिन से ऑब्टेन करते हैं। क्यूमिन जिसे हम कहते हैं आइसोप्रोपिल बेंजीन, इज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू क्यूमिन हाइड्रोपरॉक्साइड, इट इज कन्वर्टेड टू फिनाल, जो फिनाल में कन्वर्ट हो जाता है, एंड स्टोन और स्टोन बाई प्रोडक्ट देता है बाई ट्रीटिंग इट विद डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराने पर स्टोन ए बाई प्रोडक्ट बनता है। ऑफ दिस रिएक्शन इज ऑल्सो ऑब्टेन इन ए लार्ज क्वान्टिटी बाई दिस मेथड्स, और स्टोन को भी जो इस मेथड से लार्ज क्वान्टिटी में ऑब्टेन करते हैं, इसलिए यह क्यूमिन से फिनाल ऑब्टेन करना वेरी वेरी यूजफुल, क्योंकि इसमें दो प्रोडक्ट बनता है, फिनाल मिलता है और सेकेंड स्टोन मिलता है। दैट इज इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स। तो यहाँ क्यूमिन को जो है सबसे पहले जब ऑक्साइड करते हैं तो क्यूमिन हाइड्रोपरॉक्साइड बनता है। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसके रिएक्शन को जो है प्रिपेयर करना। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं क्यूमिन, तो क्यूमिन का जो है स्ट्रक्चर्स आपको तो राइड करके लर्न करना ही पड़ेगा। और क्यूमिन का जब ऑक्सीडेशन हम करते हैं तो क्यूमिन हाइड्रोपरॉक्साइड जो बनेगा, तो क्यूमिन हाइड्रोपरॉक्साइड का यह स्ट्रक्चर आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। और इसका जो है फर्स्टली एसिडिफिकेशन करते हैं, जिससे आपको फिनाल एंड एस्टोन 32 प्रोडक्ट, और यह दोनों प्रोडक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ 2 प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं, और इस प्रोडक्ट के बेस पर भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ कुछ इंटेक्स क्वेश्चन दिए गए हैं, इंटेक्स क्वेश्चंस में स्टूडेंट जो हम पूछा गया है, ये क्वेश्चन हम आपको शो कर रहे हैं, इसका आंसर आप जो है जो वीडियो में लेक्चर हमने दिया उसी की हेल्प सर्च करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, सो हाउ आर द फॉलोइंग एल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सूटेबल ग्रिग्नार्जेंट्स ऑन मेथनॉल्स। मेथनॉल और ग्रिग्ना रिएजेंट से रिएक्शन करके आप जो है ये प्रोडक्ट कैसे ऑब्टेन करेंगे। नेक्स्ट है, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो ये जो आपको रिएक्शन दिया गया है, इसका प्रोडक्ट यहाँ क्या बनता है, इसको आपको शो करना पड़ेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स, यह जो है कि प्रिपरेशन ऑफ फिनाल कम्प्लीट होता है, और यहाँ कुछ इंटेस्ट क्वेश्चन जो दिए गए हैं उस क्वेश्चंस को भी आपने देखा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस को वीडियो की हेल्प से आप इसको कंप्लीट करेंगे, और फिनाल के प्रिपरेशन में हमने जितने भी मेथड दिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी जैसे हमने इससे पहले बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस राइड करना लर्न करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
इसलिए इसमें जितने भी रिएक्शंस हैं सभी रिएक्शंस को आप राइट करेंगे, रिवाइज करेंगे अगेन एंड अगेन, तभी जाके आपको कंफर्म होगा। सो थैंक्स।